होली समाज का गुरु श्री नेशरण अंबिगर चौड़ैया, उनका बार अन्य 12 शतमान बसवण्णा साथ में आए सो नेशरण अंबिगर चौड़ैया, उनका सेकंड गुरु हमारा विट्ठल हेरूर जी, हम कोली समाज का एसटी में जाना बोल के बहुत साल से हमारा विट्ठल हेरूर जी प्रयत्न करे सो वो भी नहीं हुआ, अब तक भी नहीं हुआ। हम हमारा राज में अब तक करे से नहीं हुआ, इसलिए हम जंतर मंत्र में आके बैठे से। इससे पहले कौन सी कैटेगरी में थे आप? हम कैटेगरी फर्स्ट में ओबीसी। अब आपकी मांग है कि मैं एसटी में ज्वाइन कर दूं। हां, अब आपकी मांग है कि मैं एसटी में दे दूं। एसटी में दे मान लो। ये कब से मांग कर रहे हो आप? हम हमारा विट्ठल हेरूर जी 40 साल से होराट कर रहे सर, अब नोनो नहीं अभी, इसलिए हम आगे बढ़ाने की कर रहे हैं। अब पहली हमारा कोली समाज एसटी बोल के जंतर मंतर बैठे से, पर ये हमारी डिमांड है ईपीएस 95 की, और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि यह प्रधानमंत्री देन उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश का ही प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को मार के खाई जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस कुंभकर्णी सरकार को चेतावनी देता हूं कि कुंभकर्णी नींद त्याग करके होश में आए, और जो सरकार निकम्मी है उसको हम बदल देंगे, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पेंशन की मांग पूरी हो। और हम 2 साल हो गया, हम गोवा से बहुत स्ट्रगल किया है, गोवा से सभी पेंशनर को हम इकट्ठा करके 4 बार हम आज दिल्ली में आ रहा है, और हम गवर्नमेंट से मांग कर रहा है कुशागिरी कमेटी हमको लागू करे। और सुबह हम हमारा गोवा सदन में हम रहा है, तो हमारा गोवा स्वतंत्र होने ओके आज 58 ईयर्स हो गया है, तो हमारा फ्लैग उधर गया है, तो हमारा खासदार उधर आया था, और खासदार को हम बोला है तुम जरा हमारा को यह है प्रश्न है वो आगे बढ़ाओ, नहीं बढ़ाएगा तो हम जैसा मध्य प्रदेश और राजस्थान में नोटा किया था वैसा ही हम गोवा में नोटा करेगा, तो बोला वो नोटा मत करो, हम तुम्हारा कुछ है वो पार्लियामेंट में मांगेगा और तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। थैंक यू। और हम कड़ी सर्दी में हम स्टेशन पर सोए हैं, अब हमारी एज 62 है, गवर्नमेंट हमारी तरफ नहीं देखता। मोदी सरकार के लिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी खड़ा करने के लिए 3000 करोड़ रुपए, लेकिन हम पेंशनर के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए दवाई के लिए भी पैसा नहीं रहता। हमारी सरकार से मांग है कि हमारी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी करे। सीनियर सिटीजन पेंशनधारी लोग आए हुए हैं, मैं मोदी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि बड़े कॉरपोरेट घरानों के 3 लाख करोड़ माफ करने के लिए आपके पास पैसा है? 60 लाख परिवार हैं ये पेंशन भोगी, और 60 लाख परिवारों ने ये तय किया है कि जो वायदा प्रकाश जावड़ेकर ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, अगर ये वायदा नहीं पूरा करेंगे, कोशियारी कमेटी को लागू नहीं करेंगे, तो ये सारे के सारे पेंशन भोगी जो परिवार हैं 60 लाख, एक परिवार में कम से कम 5 वोट हैं, हम सारे के सारे लोग मिल करके 2019 के चुनाव में इस सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे, ये हमारा प्रण है, ये हमारा संकल्प है। कर रहे हैं हमारे ऊपर, उनको शर्म आनी चाहिए कि हम बुजुर्गों को इतनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं, हमारे ही मुजुर्गों के ऊपर वो राज कर रहे हैं और हम ही को इतनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं। इस बार लेकिन सरकार जान ले कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं, अगर वो हमारी पेंशनों को बढ़ा नहीं सकती है तो उन्हें वोट नहीं मिलेगा, किसी भी हाल में नहीं मिलेगा, ये हमने वादा किया हुआ है। वो टाटा मोटर्स कंपनी एग्जामपेंट में है और उनका टाटा ट्रस्टी से हमें पेंशन मिलती है, लेकिन टाटा ट्रस्टी ने अभी तक 2 वर्ष का वेटेज दिया नहीं है, इसलिए हम टाटा पेंशनर, टाटा यूनिट के अध्यक्ष मैं पीबी पाटिल बोल रहा हूँ, तो हमें सभी जो टाटा ट्रस्टी के वेतनधारक का है पेंशन वाले, उनको 2 साल का वेटेज जरूर मिलना चाहिए, इसलिए हमने क्षेत्रीय पेंशनर आयुक्त है उनको भी मिला है, वो सिर्फ बोलते हाँ बोलते, लेकिन देने के लिए
टालाटाल करते, आज देंगे कल देंगे, अभी अप्रैल महीने से हम झगड़ा कर रहे हैं, तो अभी बोले और एक महीना लगेगा, तो अभी तक हमें मिला नहीं है। जब ये भारत सरकार का ईपीओ पेंशन है सभी को लागू हो गया, 2 वर्ष का वेटेज, लेकिन टाटा ट्रस्ट ने अभी तक दिया नहीं है। टाटा ट्रस्टी को अभी प्राप्तिकर विभाग ने नोटिस भी भेजा कि टाटा ट्रस्टी रद्द क्यों करनी चाहिए, लेकिन टाटा ट्रस्टी मुंबई उच्च न्यायालय में 6 याचिका दाखिल किया, और अभी हमने जो संघर्ष किया है वो देखे गए 15 दिन के पिछले दिन उन्होंने 6 याचिका वापस लिया, और अभी हमें बोलते क्या देंगे देंगे, लेकिन कभी देंगे? सभी भारत को जो पेंशनर है उनको 18 महीने से पहले ही मिल गए, लेकिन टाटा अभी तो काम किया, देंगे देंगे बोलते, जल्दी से जल्दी हमें मिलना चाहिए। ओके।